नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल सी कुछ डेफिनेशंस हैं और टर्मिनोलॉजीज हैं, जिसमें से एक है जी हमारे पास ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से क्या मुराद है। तो जी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है, वाटर जो है वो 0 सेंटीग्रेड और 273.16 केल्विन पर जो है अपनी तीनों हालतों में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके वेपर्स भी होंगे, ये आइस की फॉर्म में भी होगा और ये लिक्विड वाटर की फॉर्म में भी होगा एग्जैक्टली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डीजल इंजन है। डीजल इंजन के अंदर जो है किसी किस्म का कोई स्पार्क प्लग जो है वो यूज़ नहीं किया जाता और इसकी एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास 35% से 40% तक है। इसमें उसी तरह से हमारे पास एयर इनटेक जो है, एयर की जो है इनटेक होगी, एयर जो है वो देन फ्यूल के साथ मिक्सअप होगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा वो तो पावर प्रोड्यूस होगी और इस तरह से फाइनल आखिरी स्ट्रोक में जो है वो इंजन जो है वो जो हमारे पास गैसेज जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं। देन हमारे पास पेट्रोल इंजन है। पेट्रोल इंजन को हम 4 स्ट्रोक इंजन भी कहते हैं और इसकी जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास 25% से 30% तक है। ये 4 स्ट्रोक्स में अपनी जो है वर्किंग कंप्लीट करता है। फर्स्ट हमारे पास इनटेक है, जिसमें जो है वो जो है पेट्रोल जो है वो इनटेक होता है, जो है पिस्टन में आ जाता है। देन हमारे पास कंप्रेशन है। कंप्रेशन के बाद जो है वो प्लग को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो है हमारे पास जो है वो कंबस्शन होती है, पावर स्ट्रोक होता है। देन फाइनली जो है लास्ट स्टेप के अंदर जो है वो हमारे पास गैसेज जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं। लास्ट पे जो इस वक्त सबसे अहम चीज़ जो है जो हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में समझनी चाहिए और उसको उस पर काम हो रहा है वो है हमारे पास ही एंट्रोपी। एंट्रोपी का जो कंसेप्ट है ये 1856 में क्लॉजिस ने इंट्रोड्यूस करवाया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को क्वांटिटिवली एक्सप्लेन करने के लिए कि जी हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं नेचर के इस बिहेवियर को कि हम कोई ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते जिसमें हीट लॉस जो है वो ना हो। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें एंट्रोपी को समझना जो है वो ज़रूरी है। अब एंट्रोपी जो है उसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं चेंज इन एंट्रोपी, क्योंकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है तो इसलिए हम हमेशा उसके चेंज को डिफाइन करेंगे। तो चेंज इन एंट्रोपी जो है वो इक्वल होता है चेंज इन हीट फ्लो डिवाइड बाय टेम्परेचर के। और इसमें इसकी एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, हमारे पास एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर T1 है और एक दूसरा सिस्टम है उसका टेम्परेचर जो है वो T2 है और हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर जो कि T1 है वहाँ से कहाँ तक जाती है जी, हीट जो है वो फ्लो करते हुए आती है हमारे पास T2 तक। तो अगर आप इंटरनल अगर आप जो है वो एंट्रोपी डिफाइन करते हैं सिस्टम वन के लिए तो वो हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S1 जो है वो होगा -Q डिवाइड बाय T1, क्योंकि हीट क्यू जो है वो फ्लो की है क्योंकि हीट सिस्टम से निकल रही है इसलिए ये माइनस के साथ रिप्रेजेंट की गई है, जबकि दूसरे सिस्टम में ये हीट ऐड हो रही है इसलिए हमारे पास जो चेंज इन एंट्रोपी जो सेकंड सिस्टम के लिए होगी वो हमारे पास होगी जी +Q डिवाइड बाय T2। लेकिन अगर आप होल सिस्टम S1 जो है हमारे पास सिस्टम वन जो है और जो सिस्टम टू है अगर आप टोटल नेट जो चेंज इन एंट्रोपी अगर आप कैलकुलेट करें जो कि इक्वल होगा डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 के, तो हमारे पास जो है वो एंट्रोपी जो है उसका जो रिलेशन आ जाता है वो है जी क्यू डिवाइड बाई T2 -Q डिवाइड बाई T1, क्योंकि T1 ज़्यादा है तो ये रिलेशन हमें ये बता रहा है कि एंट्रोपी में जो चेंज है वो हमेशा नेट एंट्रोपी में जो चेंज है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि एंट्रोपी जो है वो हमेशा बढ़ रही है। और यही जो है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट भी है कि एंट्रोपी जो है वो हमेशा इंक्रीज करती है नेट एंट्रोपी जो है सिस्टम्स ओवरऑल सिस्टम्स के लिए कभी एंट्रोपी जो है वो कम नहीं होगी। और ये असल में ये रिलेशन है उस ये इशारा है उस चीज़ की तरफ कि हम हमेशा कोई ऐसा इंजन नहीं बना सकते जिसमें हीट लॉस ना हो, लाजमी तौर पर हीट लॉस होगी जो एंट्रोपी को बढ़ाने का सबब बनेगी। इसके अलावा एंट्रोपी जो है वो डिसऑर्डर के साथ भी रिलेटेड है। डिसऑर्डर को और ऑर्डर को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जी। हमारे पास एक सिस्टम है कुछ इस तरह से कि हमारे पास जो है एक जगह पर जो है वो एक ग्लास में हमारे पास गर्म पानी है और दूसरी जगह पर हमारे पास जो है ग्लास में ठंडा पानी है। अब अगर आप इंडिविजुअली इन ग्लासेस को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो हॉट वाटर है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उन तमाम मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी और तमाम मॉलिक्यूल्स एक खास टेम्परेचर को अचीव करते हुए एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम में होंगे, एक ऑर्डर में होंगे। जबकि जो हमारे पास कूल वाटर है उसमें जो है हमारे पास जो है हीट जो है मॉलिक्यूल वो पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो कम है और उस एनर्जी कम एनर्जी की वजह से जो है वो जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो भी एक प्रॉपर ऑर्डर में होंगे।
यानी कि जो इस वक्त हॉट वाटर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी ऑर्डर में है और जो कूल वाटर में मॉलिक्यूल्स हैं वो भी ऑर्डर में है, लेकिन अगर आप किसी तरह से इनको मिक्स कर देते हैं, अब मिक्स करने से क्या होगा, वो जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं और जो कूल मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि जिनकी एनर्जी ज़्यादा है और जिनकी एनर्जी कम है, वो आपस में मिक्सअप होंगे और इस मिक्सअप में एक डिसऑर्डर डेवलप होगा और वो जो डिसऑर्डर है वो उस ऑर्डर को जो कि पहले से मेंटेन था उसको बहुत जो है बुरी तरह से जो है डिस्टर्ब कर देगा। यानी कि अगर आप देखें कि इसमें और दोबारा हम कभी भी उस गर्म पानी को ठंडे पानी से अलग नहीं कर सकते, हम कभी भी उन हॉट मॉलिक्यूल्स को कोल्ड मॉलिक्यूल से सेपरेट नहीं कर सकते, तो हमने जो एक डिसऑर्डर क्रिएट किया है वो कभी भी ऑर्डर को फिर मेंटेन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सी एनर्जी जो है वो इसमें लॉस हो जाएगी। सेकेंड हमारे पास एग्जांपल है जी फ्री एक्सपेंशन की। फ्री एक्सपेंशन में आप देखते हैं दो गैसेस जो हैं वो सेपरेटली जो हैं वो इनक्लोज हैं, हमारे पास दरमियान में वॉल है, एक तरफ हमारे पास जो है वो वाइट मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक तरफ हमारे पास रेड मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों जो है ऑर्डर में हैं, लेकिन जैसे ही आप जो है वॉल को ओपन करेंगे आप ये देखते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिक्सअप होंगे और ये जो मिक्सअप है इससे जो है एक बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त किस्म का जो है वो डिसऑर्डर क्रिएट होगा जिसको हम कभी भी दोबारा इस ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकते विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि दोबारा से आप इनको सेपरेट आउट करें तो आपको बहुत सी एनर्जी देनी होगी जो कि हमारे किसी काम की नहीं होगी और यही जो है ये यहाँ पर चेंज एंट्रोपी के इंक्रीज़ करने की वजह बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्या नेचर में वो कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो कि पॉसिबल हैं और कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जी हम जनरली जो जिन प्रोसेस को स्टडी करते हैं उसमें हमारे पास कुछ इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, कुछ रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होंगे जिसमें जिनमें एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, यानी कि वो तमाम प्रोसेस जिनमें एंट्रोपी बढ़ रही है नेचर में होने वाले तमाम ऐसे प्रोसेस उनको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे और वो तमाम प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आता यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है यानी कि डेल्टा एस जो है वो जीरो है, तो ऐसे तमाम प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और उसमें इन जनरली हम ये सपोज करते हैं कि जो हमारी जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रही है, लेकिन कोई ऐसा प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें नेट एंट्रोपी जो है वो हमेशा कम हो रही हो, लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे ज़रूर हैं जिसमें एंट्रोपी जो है, जैसे अभी आपने देखा सिस्टम S1 जो है उसकी एंट्रोपी नेगेटिव थी लेकिन सिस्टम S2 जो हमारा सिस्टम 2 था उसकी एंट्रोपी बढ़ रही थी, लेकिन वो जो दोनों सिस्टम है वो आपस में लिंक्ड है, नेट एंट्रोपी हमेशा जो है वो इंक्रीज़ करेगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि नेट जो है वो हमेशा कम हो रही है। और इन जनरल यहीं से एंट्रोपी हमें ये बताती है कि हम एनर्जी की तजलील कर रहे हैं यानी कि हम एनर्जी को डीग्रेड कर रहे हैं। अब डीग्रेडेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है कि हमारे पास एनर्जी है, हम उससे काम ले सकते हैं, लेकिन सर्टन कंडीशंस की वजह से बहुत सी एनर्जी ज़ाया हो जाती है जो कि हमारे किसी काम की नहीं रहती। जैसे कि आप हीट इंजन में देखते हैं हॉट रिजर्वायर से हीट Q1 फ्लो करती है, हम उससे W काम ले लेते हैं, लेकिन जो Q2 है वो लॉस हो जाती है जो कि हमारे किसी काम की नहीं है, जिससे हम किसी किस्म की कोई फर्दर वर्क जो है वो हासिल नहीं कर सकते। तो इन जनरल हमारे पास Q1 हीट थी जिसमें से हमने Q2 को डीग्रेड कर दिया और ये Q2 दोबारा हमारे किसी काम की नहीं है, यानी कि हम जो है एनर्जी की डिग्रेडेशन कर रहे हैं और इसको हीट डेथ से भी कोरिस्पॉन्ड किया जाता है कि जी हीट की एक किस्म की डेथ होगी और वो हमारे पास अब फर्दर अवेलेबल नहीं है यूज़फुल वर्क परफॉर्म करने के लिए। अब इसी से जो बहुत ही ज़्यादा अहम किस्म के इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो हैं वो जनरेट होते हैं, जिसमें से एक है जी ग्लोबल वार्मिंग, के हम हीट इंजन्स यूज़ कर रहे हैं, हम रेफ्रिजरेशंस यूज़ कर रहे हैं, हमने इंडस्ट्री को बहुत हद तक जो है वो डेवलप कर लिया है, लेकिन ये जो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट है और ये जो तमाम इंजन के यूज़ हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो है ये रेफ्रिजरेशंस के यूज़ और डिफरेंट किस्म के जो प्रोसेस हैं, इससे हम अपने यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ा रहे हैं और जैसे जैसे ये एंट्रोपी बढ़ रही है हमारे पास इन्वायरमेंट में ऐसी हीट आ रही है जो हमारे किसी काम की नहीं, और वो जो हीट जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ तब्दील कर रही है, जिसका हमारी ज़मीन पर जो कि बहुत ही ज़्यादा एक सॉफ्ट और फ्रजाइल सी चीज़ है वो हमारी ज़मीन को बहुत बुरी तरह से जो है वो डैमेज कर रही हैं।
जिससे मुख्तलिफ किस्म के जो है असरात जो हैं वो आजकल जो है हम अपनी इन्वायरमेंट में देख सकते हैं, जिसमें थर्मल पोल्यूशन जो है वो सबसे अहम फैक्टर है। ग्लोबल वार्मिंग है जिससे जो है वो हमारी जो ज़मीन है उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ रहा है, ऐसी एनर्जी की वजह से जो कि हम यूज़ नहीं कर पा रहे। इससे रिलेटेड कुछ MCQs देख लेते हैं जी। इन केस ऑफ प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन एंड वेपोरेशन ऑफ सब्सटेंस परफॉर्म स्लोली, अब यहाँ पे जो परफॉर्म स्लोली का लफ्ज दिया गया है यही हमें ये बता रहा है कि ये एक स्लो प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल होंगे और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी है वो हमेशा जो है वो चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगा और एंट्रोपी हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। तो इसके लिए जो सी ऑप्शन है वो हमारी करेक्ट है। इसके अलावा एक सिंपल जो है MCQ है कि जी फॉरेनहाइट और सेल्सियस जो थर्मामीटर्स हैं वो किस रीडिंग के लिए इक्वल होंगे। तो फॉरेनहाइट और सेल्सियस जो हैं ये -40 सेंटीग्रेड इक्वल होता है -40 फॉरेनहाइट के। तो -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर फॉरेनहाइट और सेल्सियस थर्मामीटर जो हैं ये इक्वल होते हैं। इसके अलावा है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज़ लोएस्ट एफिशिएंसी। हमारे कुछ एक टेबल के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस और उनकी एफिशिएंसीज गिवन है, जिसमें से आपने ये बताना है जी अब ये जो हमारे पास जो है ऑप्शंस हैं इनमें से वो कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसकी एफिशिएंसी सबसे कम है, मोटर की, न्यूक्लियर रिएक्टर की, फ्लोरिसेंट लैम्प की या सोलर सेल की। मोटर की एफिशिएंसी इन सबसे ज़्यादा है और दूसरे नंबर पे हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर की है। इसके अलावा जो है वो फ्लोरिसेंट की नियरली 20% है, जबकि सोलर सेल जो है उसकी एफिशिएंसी जो है वो सबसे कम है, जो कि नियरली 8-10 के जो है वो राउंड अबाउट है। तो सबसे कम एफिशिएंसी जो है वो हमारे पास सोलर सेल की है। थैंक यू वेरी मच।